अरे कसी, ओ कसी। हाँ बापू, किका? किना? आऊं? किका? अरे मैं कह रहा हूँ, मीनणी ने राजी खुशी छोड़िए होगे। हाँ बापू छोड़िए हो। और तेरा सासु ससुर ठीक ठाक है के? हाँ एकदम राजी खुशी है। हाँ ठीक है, राजी खुशी में फायदा है। और बात चंदूड़ी के करन लाग रही है? माँ रोटी कौन लाग रही है? चल तू यहाँ कर, अपने नोरे में जा। हाँ उंटा ने पानी पुनी पिया दी, सागे पान नीरो नारो गाल दे। अच्छा ठीक है, जाऊँ मैं। ठीक है। चंदू, ए बेटा चंदू, हाँ बापू के का? बेटा तू यहाँ कर, गुटको एक चाह बना ले, फिर मैं भी खेत का निकलूंगा। हाँ आप भी बनाऊ बापू, ले आऊ। अरे वो रूप लो किन्ने आज दिखियो को नहीं, के करने लग रहे है? अरे के बात है, रूपला एकलो ही लाग रही है, मन बुला ले बार तो। थोड़ सी कुत्रे, मैं सोची मैं काट लेसी हूं। मैं फेरू का मशीन है? ना ना मैं फेर लेसी हूं। काम को कहन संके का ना अपने? ना ना काम को कहन संको है। अरे अरे रोक रोक रोक, आता क्यों? अरे पाछो फेर, पाछो फेर, पाछो फेर। किले दे दी तू आते? अरे अरे दिखा तो सही तेरी कुत्रे। अरे क्यों हो तेरे हाथ के यहाँ क्यों करे है? अरे वो सुगनो कटे है, दिखनी कौन लाग रहे हो? तो दिन तो काम है सारा। क्यों हो? अरे देखो तो मेरा हाथ आ गया बापू। वो कुत्ते काटो, मैं गाला लगाओ। ओहो तो आओ, हाथ आ गया मेरा। तो हाथ कटा लियो, तो पट्टी करनी पड़ सींगे। हाथ ना लगाओ, देख जब कुत्र कटे है गे, तू यहाँ कर, तू तो यहाँ पट्टी पुट्टी कर ले। अरे बिना कह दे वो डांगरा नीर दे वजह। हाँ ठीक है, तू कोई नीरा को। हाँ बिना कह दे जा। हाँ ठीक है। हाँ आऊँ मैं अभी, अठी रही। राम राम मोती भाई। सुरजा भाई आ बैठ। और ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है भैया। हाँ बढ़िया बढ़िया, तेरा सुना? अरे मोती भाई जी, मौज है, भगवान की कृपा है भाई। हाँ भाई भगवान की कृपा है तो मौज ही मौज होवे। और सुना चल क्या हो आज? ये है भाई जी, मैं तो छोरी कन गेड़ो। यार मैं सोचो मुको दोपहर है के है कि दो घंटा अपने मोती भाई जी कन जाइए। वहाँ यार सगा आपको ये है भाई, कोई चाय पानी पी लेगा? कोई बात नहीं, तो बढ़िया ही कर रहे थे आगे। दिन दिन की बात को नहीं, रात रहे दोनों भाई अच्छी हताई कर से, रोटी पानी खास यहाँ रात रात रेट है। ये है मोती भाजी, रात रात के रे वहाँ आज घरे बटाऊ आना है। मैं ये सोचो ले घंटों की सारो मार लिया, फिर जाना तो जरूरी है। बात तेरी सलाह है भाई, देख ले। अरे काशी तेरा काको आया है, पानी पुनी ले लाडी, कोई पानी पिया ने? तो बड़ी है, मैं तो करे मो चल दोपहर दोपहर भाजी कन दो घंटा मको रेस्ट करिया वहाँ। ले पानी। राम राम। अरे राम 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 राम। और ठीक है? ठीक हूँ, बड़ा दिन हो आपका तो। बस यही है, दिन दिन तो तेरे लाग ही जाए तो है। और टबर टूबर ब्याह लिया के? हाँ छोरो तो ब्याह दियो, बीनड़ी पीर गेड़ी है, नानो मोटो नड़ जाए। चलो भाई जी ये है, बढ़िया है, बाकी तो देखो करना तो मालिक है, हैं? लियो काका चाय पियो। अरे सुरजा दोपहर कर ली? ना ना भाजी दोपहर दोपहर कौन करानी? अरे कर ली कर ली। हैं? अरे काशी दो रोटी। अरे अरे ना बेटा, रोटी ना ली तू आपने तो। दोपहर कौन करानी है जी, मैं रोट खा के आयो, थोड़ी सी मंगा दू जिमली दो फारो कर। ना 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 ना। अरे अच्छा दही दू खा के लस्सी पी के बस आराम।
मैं तो बीए में चलो जनता मिल जावा मोती भाई जी ने कई दिन हो गया मिले को नहीं। ओ सुनाओ मोती भाई जी, वो थारो ऊंट वालो व्यापार करा के वो क्या चला रही है? हाँ ठीक है भाई जी, आज का दिन तो मौज है, बढ़िया चल है। तो मोती भाई जी अब कितना ऊंट आंटा थारे कने? तेरे कने तो आज की घड़ी में सुरजा भाई 19 ऊंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दो और मिला लेता ले, ये 21 हो जाएगा। ये भाई जी 19-21 तो देखो चलती है ये। हाँ करा तो है, ये तो की है। हाँ। दो चार तो लिया मार दे दे मार आता जानता ही रहे। अच्छा बाकी जगह 19 ऊंट है नी। हाँ। बे तो परमानेंट ही रहे अपना घर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। हाँ चलो ये है मोती भाई जी, भगवान ये है भी थाने दिन दुगनी रात चौगनी देवे कमाई। अब ये है मैं तो चालू फिर पेंडो करनो है, क्यों घरे बिटाऊ आना है, पहुँचना जरूरी है मेरो। और सुन सुरजा भाई। हाँ। जिंदगी में मित्र तो मित्र ही होवे। हाँ। अरे एक आदो मित्र नहीं जुड़े होवे नी जिंदगी में। हाँ। तो जिंदगी अधूरी होवे। हाँ। जिंदगी लटकती रहे यहाँ। तीन साल बाद में मोतीराम की हार्ट अटैक होना मृत्यु हो जावे और वो आपके 19 ऊंटा को वसीयत नामो जिको है वो लिख गए और छोड़ जावे। कासी लिया वो वसीयत नामो करा कोई तरह लो बिसी लो बंटवारा लो। लो जी मैं बताऊंगा वो वसीयत नामो मोतीराम जी को के वसीयत नामा है 19 ऊंटों का बंटवारा। ठीक है, मेरे 19 ऊंटों में से आधे ऊंट मेरे बेटे को दे देना। ठीक है, और 19 ऊंटों में से एक चौथाई मेरी बेटी को दे देना। ठीक है, और 19 ऊंटों में से पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को दे देना। अच्छा अच्छा, राम राम मोती राम ये भी लिख के दे गए अभी वसीयत। ना रे ओ बंटवारे के हाल में को नहीं होनी। अब ओ बंटवारों के हिसाब होगो भी 19 ऊंटा मु आधो करा देना 9.5 ऊंट आवे जब ई हिसाब तो एक ऊंट काटनो पड़ेगो। हां सही है, एक ऊंट काटा ऊंट तो मर जाएगो। चलो मान लिया एक मुक्का एक ऊंट काट भी लिया तो ही लारे बच्चे 18। अब 18 को चौथो हिस्सो करा जना 4.25 ऊंट आवे। सही बात है, बड़े ऊंट काटना पड़ती। ओ हिसाब तो जी मेरे तो समझू भर है। ओ हिसाब तो के सुरजा राम ही कर सके भी होने और हुए को नहीं आमने तो आमने समझ में भर है सुरजा राम जी के। हां सुन सके। हां देख कर दिया भाई। सही है, इतना बेल लिया बे तो मैं सही है। सही है जी। हां मैं आऊं तो जाऊं तेरे राम जी लाओ बे आऊं तो जाऊं तभी रेन था मन लेना पड़ेगा विपिन। हां तू जा भाई बस वो दे पड़े टाइम। हां अरे तू जा बांगा में रथ नाली बस बन ले गई मुड़ी ले गई आने ले गई आने ले आओ। अरे काम कर विपिन। हां ले किराए तो ले दे। हां ले किराए ले जा ओके दे दे। हां तेरी जेब में क्यों लगावे तू। हां सही है। अरे क्या विपिन एक लंग ले आओ मैं ले तो आ गयो बस परे बे आप वोट ले रहा हूं ला रे बेगा मैं आप वोट ले रहा हूं। हां ठीक है चलो कोई नहीं बैठ ऊंट पर आसी जन की टेम लगाई से दे मैं आ के नहीं बे परिवार तो ठीक है। वो है जी वसीयत नामो मारू तो बंटवारा हो को नहीं जब मैं तो बैठ गयो फैसलो करो भी सुरदे दिन बुलाओ देखो आवे यार बे इनको किया न किया कोई हलकाट सी हलकाट सी अब थे देख लो अब तो नहीं ही करना सारो को। बिना मित्र जिंदगी को कोई हिसाब को नहीं, जिंदगी को हिसाब सही हो वही को नहीं बिना मित्र। तो बंटवारा हो जाएगा तो मारे काम करो। हाँ ओ जी को मैं ऊँट ले। हाँ
वो ऊंट आ 19 ऊंटा का मां मिला के अरिंगो बंटवारो कर दियो। एक तो वो पागल है जो मर गयो इसी मस्जिद बना गयो, और एक वो पागल है जो आप ऊंट के मेरे मिला लियो 20 कर लियो सके अंग बंटवारो कर ले। यो करे कदी के जो आपना अंगी बात मानने में कह दे तो यही करके जो हिसाब रो कोई एक पद है डायलॉग तो है तो बिन आपा लगावा आपने दिमाग को तो बारे हो रहे तो भाई अब ये है 19 ऊंट है जिका मोती का है अभी मैं एक ऊंट जिको है वो मिला दे मेरे लो ये ऊंट हो गया 20 अब 20 ऊंट हो गया तो आधा देना है छोरा ने तो 10 ऊंट दे दो अपने छोरा ने। ठीक है जी अब 20 का मऊ चौथो हिस्सो देना है छोरी ने तो 5 चौका 20 यानी 5 ऊंट 5 ऊंट जिकाए पे दे दो छोरी ने। ठीक है जी ठीक है जी अब क्या है कि 20 ऊंट का मऊ पांचवो हिस्सो वो देना है नौकर ने। ठीक है जी हाँ तो ये है 4 ऊंट दे दो नौकर ने। ठीक है जी अब कितना हो गया 10, 5, 15, 4 19 और बच्चो कितना एक वो है मेरो। ठीक है ठीक ठीक है जी एक बात तो है पुराने बुढ़िया भले पंडेड़ा ना हुए पर दिमाग हो बामे है पिताजी में तो सोचे मन उलझार गए तो बहुत बढ़िया दिगम करके गया बे और भी तरीको यहाँ सुलझा दियो बिना मैं तो दिन का उलझ रहा करता बात तो समझ में बारा हो भी आगो हंदवार हो सी किया बस ये तरह है नहीं एक ऊंट मिलावना हूँ बाकी बाकी जिका 19 ऊंटा बांगो बटवारो सुख शांति और सही तरीका हूँ हो गयो और कोई दिक्कत को नहीं आई है बढ़िया है ये तरह है नहीं आपने जीवन का माँ भी 19 ही ऊंट है मैं थाने में बताऊं भाई किया हुआ है अब ते सुनो के 19 ऊंट किया हुआ है बता दे हाँ अपने शरीर में हुए 5 ज्ञान इंद्रियां कितनी 5 होगी ज्ञान इंद्रियां के होगी आंख नाक जीभ कान और चामड़ी 5 होगी। ठीक है जी और 5 ही हुए कर्म इंद्रियां 5 किसी किसी हुए हाथ पग मुंह मूत्र द्वार और मल द्वार कितना हो गया 5 हाँ और 5 हुए प्राण कितना हुए 5 प्राण हुए भी किसा किसा हुए एक तो है प्राण एक अपान एक समान एक व्यान और एक वह उद्दान। ठीक है जी ये हो गया 5 प्राण और 4 हुआ अपना अंतकरण शरीर में 4 अंतकरण वे किसा किसा हुआ है एक तो है जी मन और एक है बुद्धि और एक है चित्त और एक हुआ है अहंकार समझ गया अब ये कितना हो गया सारा अब देखो 5, 5, 10, 5, 15, 4, 19 ठीक है जी अब के है सारी उम्र इंसान है नहीं आ 19 ऊंटा का बंटवारा का मई उलझ रहे है और जितना ही आपा इंग मां एक मित्र रूपी ऊंट नहीं मिलावांगा ये एक मित्र कोई रिश्तेदार कोई सगो संबंधी या कोई दोस्त नहीं मिलावांगा इतना ते आ ऊंटा को बंटवारो होनो बहुत ही मुश्किल है तो ये तरीका ही ओ जीवन जी को है तो 19 ऊंटा को ही भारियो है और इंसान सारी उम्र आ 19 ऊंटा का बंटवारा के चक्कर में ही उलझ रहे है। हाँ तो बिल्कुल जी थे लाख रुपया की बात कही है। हाँ तो मैं ये वास्ते कहो भाई एक मित्र जिको अपने जीवन में नहीं हुआ नी तो ओ जीवन जिको है वो अधूरो है ये हिसाब ही 19 ऊंटा जिको बंटवारो नी अभी मैं एक ऊंट मिला दियो नी तो बंटवारो हो गयो है अगर जब मैं ऊंट नहीं मिलावा तो बंटवारो कोई कोनी कर सके कोनी हो तो मारो तो इतना जना बैठे मैं दिन के गला रे मत मार मार समझ में कोनी आन ला रही।
तो ये वास्ते कहा जिंदगी के अंदर जितना ती एक मित्र एक दोस्त या कोई रिश्तेदार सगो संबंधी नहीं आवागो इतने ती ओ जीवन जीकवे नहीं ओ मतलब यह समझ लो घाटा को घड़ी हुई है ओ कदी सिद्ध को जान सके इमें सुख शांति और आनंद कदी मतलब आदमी ने मिली को सके। अच्छा ई खतरी तो ब्याह करे लोग नहीं एक आदमी सके लुगाई आ जा सके। हां बिल्कुल सही बात है।